हेलो स्टूडेंट्स तो आज क्लास टेंथ के लिए हम थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो हमने डिस्कस करना है वह है सम सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स ठीक है तो जैसे आपको पता ही है प्रीवियस लेक्चर में मैंने यह कहा था कि हमारे पास दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं एक होता है कन्केव मिरर एक होता है कॉन्वेक्स मिरर लेकिन ये जो कन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है ये किसके पार्ट्स होते हैं एक गिलास गिलासफेयर के पार्ट्स होते हैं ठीक है तुम्हारे तो पास एक होलो गिलासफेयर होता है तो जब हम उस होलो गिलासर को अगर हम बीच में से कट करें तो हमारे पास दो मिरर्स बनते हैं अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक होलो सफेयर ऑफ गिलास ठीक है थीके? तो हमने क्या किया है जब हमने इस गिलास को बिल्कुल बीच में से काटेंगे तो हमारे पास दो मिरर्स बनेंगे ठीक है तो ये वाला जो मिरर होगा नाव एम एम ये वाला जो मिरर होगा नाव दैट इज कार्ल कॉनकेव मिरर और ये वाला जो हमारे पास मिरर होगा ये होगा हमारे पास कन्वेक्स मिरर ठीक है तो यह हमारे ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सफेयर ठीक है और इस कन्वेक्स uh, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये होगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मींस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलो सफेयर ऑफ गिलास ठीक है तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स uh, इसमें कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक होलो सफेयर ऑफ गिलास है ठीक है तो सबसे पहले इसके बीच में से अगर आप लाइन देखें एक्स नाउ दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है उसके बाद एम mm एम डैश इसका अपर्चर दैट मींस डायमीटर और ये हमारे पास एक होलोसफेयर ऑफ गिलास और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है उसके बाद हमारे पास सेम है यहाँ पे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए होलो सफेर ऑफ ऑफ ए स्पैरकल मिरर इज अ सेंटर ऑफ द होलो सफेयर ऑफ गिलास ऑफ इज द स्पैरकल मिरर इज ए पार्ट देखिए जैसे आपको पता ही है क्योंकि ये हमारे पास एक होलो सफेयर ऑफ गिलास है मतलब ये एक सफेयर है तो इस होलो सफेयर ऑफ गिलास का जो सेंटर होगा मतलब इस पूरे सफेयर का इस होलो सफेयर ऑफ गिलास का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ करवेचर ठीक है तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक होलो सफेर ऑफ गिलास है तो इस होलो सफेर ऑफ गिलास का जो सेंटर होगा नाव दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ करवेचर तो हमारे पास जो होलो सफेयर ऑफ गिलास नाउ दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ करवेचर तो ये वाला है कनके और ये वाला है कन्वेक्स मिरर देखिए जो हमने डॉटेड लाइन दिखाया इसे हमने दिखाया हमने रिप्रेजेंट किया है ताकि हम ये आपको बता सकें कि ये जो कन्वेक्स मिरर है कनके पार्ट है ये एक होलो सेफेयर ऑफ गिलास का पार्ट है और यहां पे जो आपको ये कन्वेक्स मिरर दिख रहा है ये किसका पार्ट है ये भी एक होलो से ऑफ गिलास का पार्ट है ठीक है तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि हमारे पास

ठीक है तो पोल जो होगा वो सेंटर होगा किसका इस कनकेव मिरर का इस कनकेव मिरर का जो सेंटर होगा नाव दैट इज कॉल्ड पोल और इस कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा नाव दट इज कॉल्ड पोल इसका मतलब द पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ मिरर तो हमारे पास ये जो मिरर है इसका जो सेंटर होगा इसे हम कहते हैं पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सफेयर का सेंटर और पोल हो गया मिरर का सेंटर उसके बाद हमारे पास होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डोनोटेड बाय आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है हमारे पास जो मिरर है चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो तो यहां पर हमारे पास जो पोल है इस मिरर का पोल और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड मिरर ठीक है इसका डिस्टेंस अगर आप देखें पीसी द डिस्टेंस पीसी द डिस्टेंस पीसी कॉल्ड एंड इट इज डिनोटेड बाई आर उसके बाद हमारे पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है और इमेजनरी लाइन होती है ठीक है अगर आप देखें तो एक्स डे एक्स एक्स डे एक्स यह है प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कहां से पास करती है जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और और साथ में पोल पी को पास होके जाती है ठीक है तो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्पैर्कल मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल ऑफ द मिरर इट इज डिनोटेड बाय एक्स डेक्स इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं एक्ष डेश एक्ष से ना एक्ष डेश एक्ष और होता क्या है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्चुअली जो है एक इमेजिनरी एक इमेजिनरी लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इस मिरर के जो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल P को छूकर चली जाती है ठीक है उसके बाद हमारे पास है अपर्चर

तो यहां पे हमारे पास कन्वेक्स मिरर तो इस कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर कितना है नाउ दैट इज कॉल्ड अपर्चर नाउ अपर्चर इज आल्सो कॉल्ड लीनियर अपर्चर ठीक है तो अपर्चर को आप लीनियर अपर्चर भी कह सकते हैं तो क्या होता है द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर ठीक है एंड इट इज डिनोटेड बाय एमएम डैश तो अगर आप देखें एमएम mm डैश क्या है तो एमएम mm डैश जो है मिरर मिरर का अपर्चर है मतलब यह हमें ये बताएगा कि ये जो आपके पास है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डाया कितना है ठीक है उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का देखिए प्रिंसिपल फोकस इज कैपिटल एफ ठीक है देखिए हम आग बात करते हैं सपोज करते हैं हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और एम mm एम है उसका डायामीटर है हमारे पास एक मिरर तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो होगी द सेंटर ऑफ सफियर ठीक है और ये इसका पोल होगा ठीक है ना तो कहता है इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारी पैरल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट करती है और जिस पॉइंट पर ये मीट करती है नाउ दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ ठीक है कहता है इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द पैरल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एक्चुअली ऑफ द फ्रॉम द कनकेव मिरर इट इज डोनोटेड बाय एफ तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है मतलब हमारे पास जब बहुत सारी पैरल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आएंगी मिरर के साथ टकराएंगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये टच करेंगे उसके बाद होता है उसके बाद हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिररर तो क्या होता है फोकल लेंथ देखिये फोकल लेंथ इज डोनोटेड बाई सम एफ एंड प्रिंसिपल फोकस इज डोनोटेड बाई कैपिटल एफ फोकस क्या होता है इट इज लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एक्चुअली ठीक है ना तो फोकल लेंथ ऑफ कनके मिरर क्या होता है देखिए फोकल लेंथ का मतलब होता है फोकल लेंथ को हम स्मॉल एप से डिनोट करते हैं एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच डिस्टेंस होता है पोल पी मिरर का जो पोल होता है पोल पी और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ ठीक है मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया फोकल लेंथ का मतलब होता है इस मिरर का जो पोल होगा और इस मिरर का इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसके बीच में कितना डिस्टेंस है नाउ दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ और इस केस में कनके मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होगी वो होगी नेगेटिव क्यों अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं कि जैसे कहते हैं जो भी अगर, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करें जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन होगी तो तब आपका डिस्टेंस लिया जाएगा तो पॉजिटिव लेकिन अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं लेकिन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उस टाइम पर आपका डिस्टेंस माना जाएगा नेगेटिव और साथ में यह भी कहता है कि जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो हमेशा पोल से ही मेजर करोगे चाहे आप लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करो चाहे राइट राइट right की तरफ डिस्टेंस मेजर करो तो हमेशा आपने डिस्टेंस जो है पोल की तरफ ही करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है ना पी एफ फोकल लेंथ तो अभी हम P to F मतलब इस डायरेक्शन में P to F जो अभी हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं जो बिल्कुल में उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वैक्स मिरर तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसि कन्वैक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है जैसे आपको पता ही है जो कन्वैक्स मिररर होता है वो डायवर्जेंट मिररर होता है ठीक है ना इसका मतलब जैसे ही कन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट रेस

प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती हैं अपीयर्स टू मीट एक्चुअली तो मीट नहीं करती बट अपर्स टू मीट करती है ठीक है ना तो यहां से इंस्टेंट रेफ लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट हो वापस चली जाएगी तो जब हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये सारी लाइट रेज ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक पॉइंट पर मिलेंगी और जिस पॉइंट पर मिलेंगी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर नाउ दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ठीक है उसके बाद हमारे पास होता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर तो सेम एक्चुअली तो क्या होता है फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में तो ऑल्सो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द मिरर ठीक है तो पोल पी और प्रिंसिपल एफ प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में कितना डिस्टेंस है नाउ दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस तो कन्वेक्स मिरर केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है क्यों अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तो ये कहता है जिसमें अभी आपको कहा कि अगर जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा पोल से करेंगे ठीक उसके बाद कहता है कि अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो जो इंस्टेंट लाइट की डायरेक्शन है तो आपका डिस्टेंस होगा पॉजिटिव लेकिन अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लेकिन इंस्टेंट रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर मेजर कर रहे हैं तो आपका negative, तो आपका डिस्टेंस डिस्टेंस आएगा नेगेटिव ठीक है अभी हम करेंगे पोल से तो कहां से करेंगे पी टू एफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम भी उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जो इंस्टेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है सो दैट्स वाई यहां पर जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी थैंक यू